जिन श्रमिकों के पास अपना श्रम कार्ड है उन श्रमिकों को राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा सोशल स्कीम और वेलफेयर स्कीम का फायदा दिया जाता है। अगर श्रमिक के पास अपना श्रम कार्ड है तो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर खुद आवेदन कर सकता है और अपने स्किल के अनुसार गवर्नमेंट के पास काम की डिमांड कर सकता है, यानी कि मन चाह जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और श्रम कार्ड धारक जहाँ पर जॉब करना चाहता है वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे गवर्नमेंट के पास जॉब की वैकेंसी आ जाती है फिर श्रमिक को आने वाले समय में SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या तो फ़ोन के माध्यम से उन्हें अलर्ट किया जाता है, तब जाकर श्रमिक अपना जॉब ज्वाइन कर सकता है। कुछ राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाला जा चुका है, यानी कि मासिक भत्ता श्रमिकों के अकाउंट में डाला जा चुका है। श्रम कार्ड श्रमिकों के लिए आइडेंटिटी कार्ड है और असंगठित क्षेत्रों में काम करता है, यही एक प्रमाण होता है। इस श्रम कार्ड उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाला हो, अपना खुद का व्यवसाय करता हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हो, ऐसे श्रमिकों के लिए इस श्रम कार्ड बनाया जा रहा है और आने वाले कुछ समय में भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए स्पेशल स्कीम निकाली जाएगी और जो भी स्पेशल स्कीम निकाली गई है विस्तार में इस वीडियो में बात करेंगे। यदि भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोरोना से पहले असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों का अगर डेटा होता ऐसे 27 करोड़ श्रम कार्ड धारकों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं होने की वजह से ऐसे श्रमिकों को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पाया था। मित्रों, आप लोगों ने कोरोना के समय में देखा ही होगा भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जिन लोग को पैसा नहीं भेजना चाहिए था सरकार ने ऐसे लोग को पैसा भेज दिया था। यदि सरकार के पास ऐसा डेटा होता तो सरकार उन श्रमिकों को 1,000 रुपये की जगह 500 रुपये की जगह उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था। यदि मित्रों आप लोग के पास ये वीडियो किसी के माध्यम से YouTube के माध्यम से या किसी फ्रेंड के माध्यम से पहुंचा होगा तो मित्रों अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये बेनिफिट के बारे में जान पा रहे हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक इस श्रम कार्ड नहीं बनाया होगा तो आप लोग को इस श्रम कार्ड जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा आने वाले समय में इस श्रम कार्ड के साथ बहुत सारी योजनाएं को जोड़ने जा रही है और जो भी योजनाएं जोड़ी गई है इस वीडियो के अंदर आप लोग को हम शेयर करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गूगल सर्च करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ishram.gov.in। उसके बाद ishram कार्ड की ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगी। उसके बाद मित्रों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग अगर हिंदी में करना चाहते होंगे तो यहाँ पर आप लोग हिंदी वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, पूरी वेबसाइट यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि आप लोग इंग्लिश में रखना चाहते होंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं आ जाती है। जिन श्रमिक के पास ई श्रम कार्ड होगा, श्रमिक यदि इस योजना का फायदा लेना चाहता होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, तो इसके लिए मित्रों रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पहले पेज पर आप लोग को लिंक मिल जाती है, वहीं पर आप लोग को क्लिक करना होता है। भारत सरकार द्वारा इस योजना को पेशल श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा आधा पैसा पे करती है और श्रमिक यहां पर आधा पैसा पे करती है। आपके आयु के अनुसार आप लोग 55 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक आप लोग हर माह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप एक भारतीय होना चाहिए और इस योजना का लाभ लेने के लिए आप एक असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले होने चाहिए, जैसे कि आप लोग फेरी वाले, कृषि संबंधी काम करने वाले, निर्मल स्थल पर काम करने वाले या चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथरक्का काम करने वाले, मिड डे में काम करने वाले, रिक्शा या ऑटो चलाने वाले, इस तरह के काम करने वाले श्रमिक इस योजना का भाग ले सकते हैं। और आपकी आयु 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आपकी मासिक आयु 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आप लोग कोई भी सरकारी योजना के साथ जुड़े हुए नहीं होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को क्या लाभ मिलेगा, जैसे लाभार्थी के 60 साल हो जाती है उसके बाद उन्हें 3,000 रुपये हर माह पेंशन दिया जाएगा। लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन दिया जाता है और यदि पति और पत्नी इस योजना के साथ जुड़े हुए होंगे उन्हें 6,000 मासिक पेंशन हर माह दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट योजना के बारे में बात करेंगे। दुकानदारों, व्यापारी और स्व नियोजित व्यक्तियों यानी कि NPS ट्रेडर, इस योजना का यह नाम है। मित्रों, आप लोगों ने ऊपर की योजनाएं देख ली है, उसी तरह की ये योजना है। आप लोग को हर माह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये आप लोग को अनुदान देना है। उसके बाद आप लोग को 60 साल के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद मित्रों, आप यहां पर देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY। श्रम कार्ड धारक इस योजना का लाभ लेना चाहता होगा तो इस योजना का लाभ ले सकता है। श्रम कार्ड धारक की आयु 18 साल से लेकर 50 साल तक होनी चाहिए और उनके पास आधार कार्ड और जनधन खाता होना चाहिए और उनके बैंक अकाउंट में से ऑटो डेबिट की अनुमति उन्हें देनी होगी और उनके बैंक अकाउंट में से हर साल 330 रुपये काटे जाएंगे। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को क्या लाभ मिलेगा? जैसे लाभार्थी के अचानक मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है, उस अवस्था में उनके परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते होंगे, आप लोग को बैंक में विजिट करना होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, आप लोग को वहां पर फॉर्म दिया जाएगा। यदि आप लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे तो नेट बैंकिंग के माध्यम से इस योजना का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बैंकों में इस योजना का फॉर्म आप लोग नहीं भर सकते हैं, इसलिए आप लोग को यहाँ पर हम रिकमेंड करना चाहेंगे, आप लोग आपके बैंक ब्रांच में विजिट कीजिए और वहां पर जाकर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अभी मित्रों, यहां पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आप एक भारतीय होने चाहिए और आपकी आयु 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड के साथ जनधन अकाउंट होना जरूरी है और आप लोग को बैंक अकाउंट में से ऑटो डेबिट के लिए अनुमति देना होगा और आपके बैंक अकाउंट में से हर साल 12 रुपये काटे जाएंगे। इस बीमा योजना के माध्यम से लाभार्थी को क्या लाभ मिलेगा? लाभार्थी के जब दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और स्थायी विकलांगता हो जाती है, उस अवस्था में लाभार्थी को 2 लाख रुपये दिया जाता है और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपया दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप लोग बैंक विजिट कर सकते हैं या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हैं या तो आप लोग ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी यहां पर हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना। यदि श्रम कार्ड धारक इस योजना का लाभ लेना चाहता होगा तो इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रम कार्ड धारक एक भारतीय होना चाहिए और उनकी आयु 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए और उनके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के साथ उनका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को क्या लाभ मिलेगा? 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक उन्हें पेंशन दिया जाएगा। उनकी मृत्यु होने के बाद उन्हें संचित राशि भी दी जाएगी। उनकी संचित राशि उनके पत्नी को दी जाएगी या तो पति या पत्नी को दी जाएगी या तो पति और पत्नी के दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद उस अवस्था में उनके नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या तो आप लोग बैंक विजिट करके इस योजना का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस श्रम कार्ड योजना को सामाजिक वितरण प्रणाली के साथ जोड़ा गया है यानी कि PDS के साथ जोड़ा गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इस श्रम कार्ड धारक एक भारतीय होना चाहिए, वो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला होना चाहिए और इस योजना का लाभ लेने के लिए इस श्रम कार्ड धारक के परिवार में से 15 साल से लेकर 59 साल के आयु के बीच में जो भी लोग होंगे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए स्थायी नौकरी करने वाला नहीं होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से इस श्रम कार्ड धारक को प्रत्येक महीने 35 किलो गेहूं या तो चावल दिया जाएगा या तो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला परिवार को मासिक आधार पर 15 किलो खाद्य अन्न दिया जाएगा या तो आप लोग प्रवासी कामगार हो गए उन्हें वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत उन्हें यह नियम लागू किया जाएगा और उन्हें खाद्य अन्न दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप लोग के पास अगर राशन कार्ड नहीं होगा तो आप लोग राशन कार्ड बनवा सकते हैं या तो आप लोग खुद के माध्यम से राशन कार्ड बनवा सकते हैं या तो आप लोग तहसील कार्यालय में जाकर आप लोग राशन कार्ड बनवा सकते हैं या तो आप लोग CSC के माध्यम से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इस श्रम कार्ड योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जोड़ा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी एक भारतीय होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये दिया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये दिया जाता है
और साथ ही साथ में मनरेगा का भी आप लोग को इसमें लाभ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि NSAP वृद्धा संरक्षण। मित्रों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप एक भारतीय होना चाहिए और आप लोग के पास इनकम का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए और आपके परिवार में कोई भी इनकम का स्रोत करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। आप लोग को यहाँ पर भिन्न भिन्न योजना के माध्यम से 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक केंद्र सरकार द्वारा इतना अंशदान दिया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा अंशदान के अनुसार पर मासिक पर 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक दिया जाएगा। इस श्रम कार्ड योजना के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJY योजना को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपये मुफ्त इलाज करने के लिए पैसा दिया जाता है, यानी कि उन्हें आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिया जाता है। उस गोल्डन कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक हर साल इलाज करवा सकते हैं। मित्रों आप लोगों ने यह वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा तो आप लोगों ने बहुत सारी स्कीमों के बारे में जान लिया है। मित्रों आप लोगों ने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया होगा तो आप लोग को ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए। आशा करता हूँ मित्रों आप लोग को हमारे उसे बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने मित्रों के साथ। मन में अगर किसी भी तरह का सवाल या कन्फ्यूजन या सुझाव होगा आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मित्रों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे ओर से अपलोड की जाने वाली वीडियो की लिंक नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।